नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडी न्यूज दबी जुबान की दास्ता। जैसे कि आप लोगों को पता है, अभी नगर निगम चुनाव का जोर शोर से अभी आगाज चल रहे हैं। सीमा कुमारी जी जुड़े हुए हैं और एक महिला उम्मीदवार है और लगनशील है, मेहनती है। आइए हम इससे रूबरू करते हैं और बात करते हैं इसका क्या मेन उद्देश्य है इस बार। नमस्कार, आप लोग का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोग यहाँ आए और हमारी बात को सुनने का काम करेंगे। आप लोग जो भी पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं जी। आप चुनाव में आने का आपका मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा ये है कि आने वाले नहीं बल्कि बीते 5 साल में आप लोग देख रहे हैं जिस तरह से 5 साल में खेल हो रहा है, कि गुड्डा गुड्डी का खेल हो रहा है यहाँ पर। 5 साल में मैं पैसा दूंगा तो मैं जीत जाऊंगा। वो पैसा, वो बड़े आदमी हैं, वो पैसा देंगे तो वो चेयरमैन बन जाएंगे। इन 5 सालों में, बीते 5 सालों में यही चीज़ हुआ है, सिर्फ चेयरमैन बदला है, वार्ड पार्षदों को पैसा खिलाया गया है, यही काम हुआ है। बाकी विकास के नाम पर कुछ नहीं है। विकास सिर्फ मरा हुआ चीज़ है। यहाँ जनता भूखे मर रहा है। जनता के बीच में सड़क नहीं है, जनता के बीच में लाइन नहीं है, जनता के बीच में बिजली नहीं है, जनता के बीच में नल जल योजना आया था वो भी नहीं है। नल है लेकिन उसमें जल नहीं है, और जहाँ जल है वहाँ पर नाला नहीं है। नाली की समस्या 17 वार्ड में जो हम देखे, हम घूमे, हम एक लौती कैंडिडेट हैं जो हम सारे समाज में घूमे, 17 वार्ड में हम घूमे, और हमको ऐसा लगा कि हमको बहुत पहले ही ये कदम उठाना चाहिए था। लोग बोलते हैं कि आप वार्ड पार्षद में क्यों नहीं लड़े। हमें खुशी है कि हमने चेयरमैन का फैसला लिया, नहीं तो हमको ये जानने का मौका नहीं मिलता कि पिछले पाँच साल में सिर्फ नगर पंचायत में, और इसमें कार्यपालक भी शामिल हैं, ठीक है, ये सब जो लूट घसोट हो रहा है ये सब उस लोग का सिर्फ चाल है और कुछ नहीं हुआ। विकास के नाम पर ठप और कुछ। तो आपके कहने के मतलब है कि आपका नगर पंचायत में यानी कहीं भी काम नहीं हुआ, कहीं नहीं, किसी भी योजना, मतलब कि इंदिरा आवास वगैरह, इंदिरा, उसके बाद आपका इसका क्या स्थिति है, पेंशन का क्या स्थिति है आपके? पेंशन में जो हम स्थिति देख रहे हैं, हम खुद महिला लोग को ले जा रहे थे, पहले तो योजना के माध्यम से पैसा मिलते थे लेकिन फिर बाद में वो योजना ही चेंज हो गया, तब फिर महिला लोग समझने तो इतना नहीं सकती है। तो मैंने अपने से खुद कदम आगे बढ़ाया और उस लोग को लेके गया ब्लॉक में, तब जाके पता चला कि उस योजना को रिन्यूअल करना पड़ता है। फिर उन लोग को रिन्यूअल करवाए, फिर पता चला उस लोग को पैसे मिल रहे हैं। अभी बंद है फिलहाल, लेकिन आगे मिलते थे। और अभी बहुत सारे शिकायतें हैं कि हम विधवा हैं, हमारे पैसे नहीं मिलते। पर एक महिला का बात हो तब हर एक महिला बोलती है कि हम 60 साल के बाद पैसा मिलना चाहिए या वृद्धा पेंशन मिलना चाहिए। वो वृद्धा लोग, कोई कोई वृद्धा लोग को जो काम से उससे लेन देन करना है हमको, तो उसको पैसा मिल रहा है, लेकिन जिससे काम धाम नहीं है उसको छोड़ दिया है। ये दायित्व होता है वार्ड पार्षद का, चेयरमैन का, जो कि यहाँ फ्लॉप है, सिर्फ उसने 5 सालों में लूटा है, इस समाज को लूटा है। तो आपके कहने के मतलब है कि धरातल पे काम हुआ ही नहीं है, पेपर पे काम हो गया है क्या? हाँ। तो अगर जनता इस बार आपको मौका देती है तो पहला आपका क्या रहेगा? सबसे पहले हम जनता से यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, और हम बोलते हैं कि बड़े लोग का जो आशीर्वाद होता है अगर मिला तो हम आगे बढ़ करके, हम एक बात कहना चाहते हैं कि जो नाली का काम हम देखे धरातल पर, सिर्फ किताबों में और कलमों में लिखा गया है और कॉपी में कि ये टेंडर पास हो गया, यहाँ पर नाली बन रहा है, और नाली की स्थिति जो है कि कम से कम बड़ा बनाए और बहुत सालों तक टिके, ऐसा स्थिति नहीं है। ऐसे अगर कोई लात भी मार दे उसको तो वो टूट जाएगा, ऐसा स्थिति है नाली का। अभी देख रहे हैं कि अभी 144 का धारा लगा हुआ है, पर यहाँ पर नगर पंचायत में काम हो रहा है, रोड बनाया जा रहा है, लेकिन इस यहाँ के कार्यपालक को दिखाई नहीं देते हैं, सिर्फ वो टेंडर पास कर रहे हैं। और हमारी जनता से हम रिक्वेस्ट ये भी करना चाहते हैं कि वो लोग इस बार समझे
कि हम लोग को लूटा जा रहा है। लोग कोई कोई लोग बोलते हैं कि पैसे फेंकेंगे या खरीद लेंगे, आप जनता को नहीं खरीद सकते। अक्सर तो बिहार में यही देखने को मिलता है, चुनाव जितना नज़दीक आते हैं और यहाँ का जनता भोली वाले जनता को प्रलोभन देके जो है भला फुसला के वोट करवा लेते हैं और ये लोग राजनीति में इसी तरह से काम हो रहा है और जीत जाते हैं और 5 साल इसका शोषण करते हैं। तो इस आप अपना पंचायत वासियों को क्या अपील करेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? हम पंचायत वासियों से बस इतना कहेंगे कि जिस तरह मेरे पति स्वर्गीय उमेश यादव जी काम करते थे, हम भी वही काम करना चाहते हैं। एक बार सेवा का मौका दीजिए आप लोग, बस हम लोग से यही विनती करना चाहते हैं। तो अभी मेरे साथ जुड़े हुए थे एक महिला उम्मीदवार और हम आप लोगों से रूबरू करवाएं। इसी तरह से हम लोग हर एक प्रत्येक कैंडिडेट जो ईमानदारी से पूर्वक से काम करना चाहते हैं उससे रूबरू करते हैं और उसका इंटरव्यू लेके आप लोगों को दिखाने का प्रयास करते हैं। और एक महिला उम्मीदवार है और ये वाइड इंटरव्यू देते देते रो पड़ी, तो कहीं ना कहीं इसके मन में है एक विचारधारा कि हम पब्लिक के लिए कुछ करें और समाज के लिए जो है कि जागरूकता करें और समाज में जो भी कमी है उसको दूर करने का प्रयास में है। चलिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। उमेश यादव अमर रहे।